नमस्कार। आप लोग एक न्यूज़ जरूर देख रहे होंगे आजकल की। अभी एक नया बिल पास हुआ है किसानों के लिए, उसके लिए लोग धरना दे रहे हैं, सड़कों पे बैठ रहे हैं। हाँ, कह रहे कि अनलॉफुल है। तो आपके दिमाग में भी बहुत चीज़ें आ रही होंगी कि ये आखिर बिल किस लिए है, इसमें क्या है ऐसा कि लोगों को इतनी नफरत हो रही है। तो जाहिर सी बात है वो सभी के दिमाग में, लेकिन कोई बात नहीं, मैं सबकी कन्फ्यूजन्स क्लियर करूँगा आज। तो मैं हूँ आयुष्मान पांडे और आपका स्वागत है द इंडिया पोस्ट चैनल में। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ अभी जो नए आए हुए किसानों के बिल के लिए। तो किसानों के बिल में जाने से पहले हमें उससे पहले की सिचुएशन समझनी होगी। देखिए, बात ये है कि पहले किसान अपनी जैसे सब्जियाँ बेचने के लिए मार्केट में बेचनी होती थी जब, तो उसको कुल मिलाकर 8.5% का टैक्स देना होता था। और वो टैक्स ये था कि उसमें तुम्हारा मार्केट टैक्स भी था, तुम्हारा स्टेट गवर्नमेंट टैक्स भी था, और 2.5% भी टैक्स था उसमें जो मिडिल मैन लेते थे। अब मिडिल मैन कौन होते हैं? जो मीडिएटर्स होते हैं। मीडिएटर्स का काम ये है इधर इधर का माल उधर पहुंचाना। किसानों से जो माल आता है, उनकी सब्जियां, उनके फल फ्रूट, वो लोग पहुँचाते हैं मार्केट की तरफ। लेकिन अब बात यह है कि ये लोग कमीशन बहुत ज़्यादा लेते हैं, और प्लस किसान जो होता है वो ट्रक में अपना सामान लेकर आता है, तो उसको ट्रक का भी अपना पैसा देना होता है। मान लो कि मतलब 2,500 उसको देना होता है, तो किसानों के तो खर्चा हो गया ना। और एक चीज़ ये देखी गई है कि जो तुम्हारे मिडलमैन्स है वो लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं इसी लूट के चक्कर में, और किसान को उतना मुनाफा नहीं हो रहा उस चीज के लिए। तो जो ये जो नई बिल आई है, अब हम सीधा बिल में घुसेंगे, ठीक है? तो जो नया बिल आया है इसमें बहुत सारी रिलैक्सेशंस दी गई है किसानों के लिए। और किसान अब ये भी कर सकता है कि उसको मिडल मैन की जरूरत नहीं है, वो अपना जो भी फल फ्रूट होंगे उसके, जो भी उसने उगाया है, वो आगे अपना दे सकता है आगे मार्केट को। अब इसमें एक और नई चीज़ आती है, जैसे आपने देखा होगा बहुत से सुपर मार्केट्स है, फॉर एग्जांपल लाइक सफल हो गया, जैसे दिल्ली में अगर कोई मदर डेयरी में कोई रहता है, मदर डेयरी का एक आउटलेट है सफल, तो फिर जो दिल्ली में कॉमन है यहाँ पे फल और सब्जियाँ मिलती है। तो इससे ये चीज़ है कि जैसे सफल हो गया, तुम्हारे रिलायंस फ्रेश हो गया, हाँ, और बाकी जितने भी सुपर मार्केट्स है उसमें रिलैक्सेशन ये दी है कि अब कंपनीज जो है बड़ी बड़ी कंपनीज अब किसानों की तरफ आएंगी। किसानों की तरफ जब आएंगी तो फिर किसान अपना MSP डिसाइड करेगा। अब मैक्सिमम सेलिंग प्राइस सेट करने के बाद वो यही रेट कंपनी को देगा, और जो कंपनी अपना कमाएगी तो कमाएगी, लेकिन कंपनी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनेगी कि कंपनी जितना MSP उसको दिया है उतना ही उसके हिसाब का ही रेट दे, या उसका जो प्रॉफिट है वो भी दे, ठीक है? और दूसरी चीज जैसे मैंने बताई थी कि मिडलमैन नहीं होगा, तो फिर ये इजीनेस हो गया। अब आपने एक और चीज नोटिस की होगी इस बिल के आने से पहले, एक मतलब बहुत वीडियो एक वायरल हुई थी मेरे ख्याल से यूपी में थी, कि एक रेडी वाला था बेचारा, वो फ्रूट्स बेच रहा था, पुलिस वाला आया, उसने उसकी रेडी नीचे गिरा दी, उसके सारे फल फ्रूट जितना कमा रहा था वो फेंक दी उसने। और भी बहुत चीज़ें देखी होंगी, जैसे आप कहीं हाईवे में जाते हो तो फिर ट्रक वगैरह रोकते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले कि चेकिंग करनी है, तुम्हें उसका टैक्स देना है। मतलब बहुत चीज़ें होती है कि मतलब रुकावटें किसानों के लिए ना बहुत होती है। तो इसमें एक और चीज़ नहीं डाली है कि इसमें अब कोई पुलिस वाला तुम्हें इंट्रूड नहीं करेगा तुम्हारी एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए, तुम्हारी जैसे। और इसमें जैसे जो तुम रेडी लेके जाते थे, किसान जो पहले रेडी लेके जाते थे उसको लीगलाइज कर दिया। पहले लीगलाइज नहीं था, तभी वो फेंक देते थे, कुछ भी करते थे, लेकिन अब उसको लीगलाइज कर दिया है, तो जो वेंडर्स है वो अब रेडी लेके जा सकते हैं, उन्हें कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। तीसरी चीज़ एक और हम देखते हैं इस बिल के अंदर कि अब जरूरी नहीं है कि किसान उसको ही दे,
कंपनीज को या मार्केट को दे। जैसे हम जैसे कंज्यूमर्स है, एक रैशनल कंज्यूमर जाके सीधा उसकी तरफ जा सकता है, फार्मर्स की तरफ, उनके प्रोडक्ट्स लेने के लिए, और फार्मर भी वैसे कर सकता है, इसके बीच में कोई रोक टोक नहीं होगा। अब इसी के बीच में आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि बहुत लोग खफा है इस बात से, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो ये लोग मेन मिडल मैन है, क्योंकि जो मैंने बताया था 2.5% की जो कमीशन आती है वो बस नाम की है। तुम लोग जानते हो कि इंडिया में कितना ज़्यादा भ्रष्टाचार है, कितने लोग मतलब ब्लैक मनी के नाम पे रखा हुआ है, और इस बिल को नोटबंदी के बाद कोई बिल, बड़ा बिल है तो वो ये है। अब मेरा क्या ख्याल है इस पे, मेरे व्यूज़ देखो यही है इस बिल पे कि बिल सही है और लॉफुल है ही है। जितने भी अनलॉफुल कह रहे हैं, प्लीज़ इस बिल को एक बार ध्यान से पढ़ो और अपने आप को एज अ फार्मर लेके सोचो तुम्हारे लिए कितनी ज़्यादा रिलैक्सेशन है। तो मेरा बस यही कहना है कि बिल के पीछे जितना भी ये झगड़ा चल रहा है, जितने भी अनशन चल रहे हैं, जितने भी धरने चल रहे हैं, इन लोगों को ये सब बंद करो। ये ऐसे अनलॉफुल एक्टिविटीज़ इंडिया में नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे लिए लीनियंसी दिखा रहे इसका ये मतलब नहीं है कि तुम कुछ भी करते रहो, ठीक है ना। फार्मर्स को उनका हक मिल रहा है इस बिल से, और यही अच्छी बात है। और इसी के साथ मैं आज के इंफॉर्मेटिव वीडियो यही समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो फिर लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने व्यूज़ दीजिए कमेंट सेक्शन में। और जो जो नए हैं इस चैनल में, द इंडिया पोस्ट में, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि आप कोई भी अपडेट ना छूटे। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय मां भारती।